हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश सर। आज आपको बताने जा रहे हैं संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो देखिए, संयोजकता कैसे निकालते हैं। बोर बरी नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया तो ध्यान दीजिए, बोर बरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक सूत्र दिया। एक सूत्र यह दिया कि 2n² इसके द्वारा आप इसका कक्षक निकाल सकते हैं। तो अगर हम n के स्थान पर एक रखें तो इसका निकलेगा 2n के स्थान पर 1 का स्क्वायर, मतलब आपका 2 ही आ जाएगा। अगर हम n के स्थान पर 2 रखें, 2n के स्थान पर 2, और 2 दुना कितना होता है, 4 होता है, और 4 दुना 8। अगर हम n के स्थान पर 3 रखें तो आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणते n के स्थान पर 3 का स्क्वायर। तो देखो, 2 गुणते 3 करना, 9 दुना 18। अगर हम n के स्थान पर 4 रख दें तो आपका 2n के स्थान पर 4, 4 का स्क्वायर 4 चौ 16 होता, 16 दुना 32 होता। तो हमें इसके कक्षक निकल आए हैं। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन जब दर्शाएंगे तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से आप चाहे जितना निकाल सकते हैं, ये आपको पर डिपेंड करता है। जैसे हमने लिया सोडियम, लिया क्या लिया, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, क्या होता है, 11 होता है। अब इसे इस कोष में दर्शाएंगे तो 2, 8, 8, 2, 10 बचा कितना, 1, क्योंकि 2, 8 में आ गए, 1 बच गया। तो ये लास्ट में जो आपका 4 से अगर क्या होगा, कम होगा, तो यही संयोजकता होगा। समझा, तो 4 से ये कम है, 1 है, तो 1 ही क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझा, तो अगर हम इसे आपको कक्षक के रूप में दर्शाए जाए, कक्षक रूप में दर्शाएंगे, ध्यान दीजिए, पहला ये नाभिक हो गया, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक से कोई मतलब नहीं है। बाकी आपको पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो पहले कोश में आपका क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। ये लास्ट कोश में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्याग देता है। भाई एक तो इसके पास है, 1 4 से कम है तो त्याग देगा, अगर 4 से क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ग्रहण करता है। इसलिए आपका यह संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। तो समझ गया, और ध्यान दीजिए, ये बाहरी को हम बोलते हैं, बाहरी कक्ष को हम बोलते हैं संयोजी कक्षा, क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं, या संयोजी कक्ष बोलते हैं, संयोजी कक्षा। बाकी सभी ये जो आपके बचे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, आपका ये कोर कक्षा कहलाते हैं, क्या, कोर कक्षा। समझा, ये कोर कक्षा कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब आगे बताते हैं आपको। जैसे हमने क्वेश्चन लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपका परमाणु क्रमांक होता है 12, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसका निकालते हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के कोश में क्या करते हैं, 8, 8 और 10 बचा कितना, 2, 4 से कम है, तो यही क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। संयोजकता कितना, 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या इसे कक्षक रूप में दर्शाएं, इसमें आपका क्या होगा, नाभिक के होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आपका कक्षा। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। लास्ट कोश में आपका कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 2, 10 हो गए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जो आपको लास्ट कोष में होते हैं उसे बोला जाता है संयोजी कक्षा, क्या बोला जाता है, संयोजी कक्षा या संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कक्षा, ये आपका। जैसे मान चलिए अगर आपको 4 से ज्यादा आते हैं तो आपको क्या करना होगा, संयोजी कक्षा में से संयोजी, आपको ध्यान दीजिए, पूरे लास्ट कक्षे में से आपको संयोजी कक्षा को घटा देना होगा, समझा, तब जाके निकलेगा संयोजकता। जैसे देखिए,
अब ध्यान दीजिए, अगर जैसे हमें कोर, ये सभी क्या होती है, कोर कक्षाएं होती हैं, ये दोनों कोर कक्षाएं होती हैं, क्या होती है, कोर कक्षा होती है, कोर कक्षा होती है। अब ये कोर कक्षा तो होती है, लेकिन अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात आए, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन की बात आएगा तो कितना होगा, तो इसे आप जोड़ेंगे, ये वाला भी जोड़ेंगे कितना है 8, और ये वाला भी जोड़ेंगे कितना है 2, 8 2 कितना हुआ 10, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो और आपका लास्ट कोर्स में जितना होते हैं, ये आपका लास्ट कोर्स का आपका संयोजी आपको घटा देना होगा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें से घटाना है 8 में से, 8 माइनस क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप माइनस कर देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको माइनस कर देते हैं तो आपको निकल आता है क्या, आपका निकल आता है संयोजकता निकलता है, क्या निकलेगा, क्लियर हो जाओगे, संयोजकता निकलेगा, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है 4 से भी ज्यादा आ जाता है, यहां तो ठीक है कि आपका कितना आया था 2 आया था, लेकिन यहां अगर आपको 5 हो गया तो 8 माइनस 5 घटा देंगे तो जो 3 बचेगा वही आपका संयोजकता होगा, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जैसे हम किसका आपको लेते हैं, आप क्वेश्चन फास्फोरस का लेते हैं, इसका होता है प्रमाण क्रमांक 15 होता है, अब 15 इसका प्रमाण क्रमांक हो गया, इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विलयन, पहले 2 8 2 10 बचा 5। अब ये बताओ वही चीज हुआ जो हम कहना चाह रहे थे कि भाई ये 5 4 से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो 4 से जब ज्यादा आएगा तो हम संयोजकता निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं संयोजकता, संयोजकता निकाल रहे हैं, तो 8 में से हम क्या कर देंगे 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 3, तो 3 आपका क्या होगा संयोजकता होगा। जैसे अगर हम इस प्रकार से देखें भाई, पहले कोश में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं पहले नाभिक के अंदर, उसके बाद आपको ये इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका जो भी होगा, तो ध्यान दीजिए पहले कोश में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और फिर दूसरे के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट वाले कोश में आपका बचेंगे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन क्या हो रहा है 4 से क्या होगा ज्यादा है, 4 से जब ज्यादा होगा तो क्या होगा 8 में से आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा देना होगा। हमने यही अभी सूत्र लिखा कि 8 में से आपको क्या घटाना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घटा देना होगा, तब जाके निकलेगा हमारा क्या निकलेगा संयोजकता निकलेगा, क्या निकलेगा संयोजकता निकलेगा, क्लियर है, तब जाके संयोजकता निकलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं 8 में से अगर हम संयोजी आपको इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकलेगा संयोजकता निकलेगा, तो 8 में से आप घटा दीजिए 8 में से ये कितना संयोजी कक्षा, इसी को बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संयोजी, तो संयोजी घटा दीजिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 माइनस कर दीजिए कितना बचा 3, तो 3 ही आपका क्या होगा संयोजकता होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं जिससे मैं ये इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, आप इसी प्रकार से देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। चलिए